चांद और मौजूद प्रज्ञान रोवर सभी मुश्किलों और बाधाओं को पार करते हुए चांद पर बढ़ता जा रहा है। लेटेस्ट खबर यह है कि प्रज्ञान रोवर ने चांद पर एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि रोवर चांद पर मौजूद क्रेटर और गड्ढों को चकमा देकर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसरो की ताजा जानकारी के मुताबिक रोवर ने चांद पर मौजूद 4 मीटर डायमीटर के गड्ढे से खुद को बचा लिया है। ये गड्ढा रोवर से 3 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया। रोवर के नेविगेशन कैमरे ने इस गड्ढे की तस्वीर खींचकर रोवर में मौजूद मेमोरी में डाल दी। जैसे ही रोवर में मौजूद सॉफ्टवेयर को गड्ढे की जानकारी मिली, उसने अपना रास्ता बदल लिया। इस तरह रोवर बड़े गड्ढे में गिरने से बच गया और उसका मूवमेंट जारी रहा। रोवर में लगे नेविगेशन कैमरे ने उस बदले हुए रास्ते की तस्वीर भी खींची, जिस रास्ते पर जाकर रोवर ने खुद को गड्ढे में गिरने से बचाकर सुरक्षित आगे निकाल लिया। ये दूसरी बार है जब रोवर ने चांद पर मौजूद गड्ढे को मात दी है। इससे पहले प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर मौजूद एक छोटे गड्ढे का सामना किया और उसने चांद की सतह पर पहली बाधा को पार कर लिया है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर ने करीब 100 मिलीमीटर के क्रेटर यानी गड्ढे को क्रॉस किया है। रोवर अभी तक चांद की समतल सतह पर ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसके सामने गड्ढा आया, उसने उसे भी बिना किसी समस्या और नुकसान के पार कर लिया। तरह से अभी सभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया दोनों रोवर पेलोड कार्यरत है अपना अपना डेटा कलेक्ट करने में। लेकिन प्रज्ञान रोवर को अभी कई चुनौतियों का सामना करना बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है। बल्कि यूं कहें कि शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचा था। उस दिन से लैंडर और रोवर लगातार धरती पर इसरो के कमांड सेंटर पर जानकारियां भेज रहे हैं। और आखिरी भेजी जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे 10 सेंसर्स ने उस जगह का तापमान मापा जहां उसने लैंड किया था, और जो जानकारी मिली वो हैरान करने वाली थी। चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं 8 सेंटीमीटर नीचे तापमान घटकर -10 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसमें अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो अंदर तक जमीन के अंदर जाके लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर तक वो जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि चांद की सतह पर भीषण गर्मी है, जबकि सतह के सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे बर्फीली कड़ाके की ठंडक है। चंद्रयान 3 को चांद पर उतरे 5 दिन बीत चुके हैं। चांद पर मौजूद कई जानकारियां उसने इसरो को भेजी हैं, लेकिन अभी भी उसे बहुत काम करना है और वक्त बहुत कम है, क्योंकि अब चांद पर उसके पास सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। चांद पर उसकी जिंदगी सिर्फ 14 दिनों की है। रेस अगेंस्ट टाइम उस तरह से है कि हम हमारा ये जो दौड़ लगा रहे हैं समय के खिलाफ, क्योंकि 10 दिन में हमको जितना हो सके उतना काम करना है। इसरो का कहना है कि प्रज्ञान रोवर फिलहाल उतनी दूरी तय नहीं कर पाया है जितना की उम्मीद की जा रही थी। अभी तक आपको पता ही है कि इसरो ने बताया कि 12 मीटर तक मूवमेंट हुई है रोवर की चंद्र की सतह पर, तो हमारा जो मूल उद्देश्य है कि 30 मीटर एक दिन में, और जो तो इसलिए बाकी के दिनों में हम 300-400 मीटर मूवमेंट कर पाए उसके लिए प्रयत्न जारी रहेंगे। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रज्ञान रोवर जितना ज्यादा चांद पर चलेगा उतनी ज्यादा जानकारियां मिलेंगी। 9 दिन बाद चांद पर रात शुरू हो जाएगी। चंद्रयान 3 के कामयाब मिशन के बाद अब तैयारी भारत के पहले सूर्य मिशन की है। भारत को सूर्ययान भेजने की जो तारीख है और वक्त है उसको तय कर दिया गया है, और इसरो के मुताबिक 4 दिन बाद सूर्ययान आदित्य L1 सूरज के पास भेजा जाएगा। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 2 सितंबर को आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से सुबह 11:50 पर स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 लॉन्च होगा। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 महीने का वक्त लगेगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन को इसरो के PSLV-XL रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या आदित्य L1 सूर्य तक जाएगा, क्योंकि सूरज का तापमान 5,500 सेल्सियस से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है। तो ऐसे में आदित्य L1 कैसे सूरज की गर्मी का सामना करेगा? इस सवाल का जवाब है कि आदित्य L1 ना तो किसी सतह तक जा रहा है और ना ही सूरज के पास जा रहा है। दरअसल आदित्य L1 L1 पॉइंट तक ही जाएगा।
L1 पॉइंट पृथ्वी और सूरज की कुल दूरी के बीच का हिस्सा है। L1 पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। L1 पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, इसलिए स्पेसक्राफ्ट यहां पर कक्षा में चक्कर लगा पाता है। आदित्य L1 मिशन का मकसद सूर्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना है। सोलर विंड से लेकर सोलर फ्लेयर्स तक के बारे में अहम जानकारियां मिल सकती हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि दुनिया में क्या कोई देश L1 पॉइंट तक पहुंचा है। इस पॉइंट पर अमेरिका, रूस और यूरोप ने पिछले 3 दशकों में कई मिशन कामयाबी के साथ भेजे हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त L1 पॉइंट पर सोहो नाम का सोलर स्पेसक्राफ्ट मौजूद है। सोहो स्पेसक्राफ्ट को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA ने मिलकर भेजा है। सोहो का पूरा नाम सोलर एंड हेलियोफेरेट ऑब्जर्वेटरी है। सोहो सोलर स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट के चारों तरफ पृथ्वी जितनी रफ्तार से चक्कर लगा रहा है, वो लगातार सूरज में होने वाली गतिविधियों को मॉनिटर कर रहा है। सोहो सोलर स्पेसक्राफ्ट अर्ली वार्निंग स्पेसक्राफ्ट भी है। ये सूरज से निकलने वाले खतरनाक और तूफानों की सूचना पृथ्वी पर भेजता है। सौर तूफानों से अंतरिक्ष में मौजूद संचार और नेविगेशन सैटेलाइट को नुकसान पहुंच सकता है। वक्त पर जानकारी मिलने सैटेलाइट को सौर तूफानों से सुरक्षित बचाया जाता है। सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर आज देशभर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। सावन के अंतिम सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने के लिए बीती रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित गौरी शंकर मंदिर में भी विशेष पूजा की गई। शिव शंकर का जलाभिषेक करने के लिए यहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। G20 समिट में आने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए उन देशों की सुरक्षा एजेंसियां भी भारत आने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6 और चीन की MSS भारत में अपना डेरा जमा चुकी है और भारतीय खुफिया एजेंसियों के संपर्क में हैं। नोएडा के सेक्टर 93 में बनाए गए ट्विन टावर को पिछले साल आज ही के दिन ध्वस्त किया गया था। जमीन पर जारी विवाद के बीच टावर के सामने के रास्ते को विजय पथ नाम दिया गया है। मुंबई में 31 अगस्त यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने वाले नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि उनका गठबंधन का संयोजक बनने का कोई इरादा नहीं है और वो सिर्फ सभी को एकजुट करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने दावा किया कि उनका काम सिर्फ विपक्ष को एक साथ लाना है। हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो सबको एकजुट करना चाहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पर फैसला सभी पार्टियां मिलकर लेंगी। आगे जो बैठक होगा सब लोग अपनी बात को रखेंगे और निर्णय लेंगे, वो तो सभी लोगों का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा ना। इस बीच JDU नेता KC त्यागी ने दावा किया कि नीतीश विपक्ष को किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए एक साथ नहीं लाए। हमने किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए ये कार्य नहीं किया था, हम विपक्ष की एकता चाहते थे कुछ सवालों को लेकर के। हमारा BJP से विरोध है, असहमति है। नीतीश कुमार के इस दावे को BJP ने उनकी सियासी चाल करार दिया। साथ ही BJP नेताओं ने इस बात का दावा भी किया कि नीतीश कुमार का विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार करना उनकी सियासी रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन जो वो कहते हैं वो करते नहीं। नीतीश बाबू ऐसे करेक्टर के पॉलिटिशियन है जो कहते कि नहीं करते हैं वो पक्का करते हैं। वो मुख्यमंत्री बनना ही चाहते थे और आज उनका सपना है कि प्रधानमंत्री बने। BJP सांसद रामकृपाल यादव ने भी इसे नीतीश कुमार का सपना बताया। इंडिया हुकूमत के ये घमंडिया पार्टी के लोग हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार जी जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना रोज देख रहे हैं। कोई भी आदमी हसीन सपना देख सकता है, तो देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि 31 अगस्त को मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक से पहले मायावती से भी संपर्क किया गया, जिसमें मायावती ने विपक्षी गठबंधन के सामने UP में BSP के लिए 40 सीटों की मांग रखी। Z News.